hurt him. I'm a murk him. If they came with this fire, I'ma burn him. Murder, it's a murder. Disrespect us, I'ma spark it, I'ma burn him. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt him. And all these bridges that I'm building, I'ma burn him. Burn him, burn him. तो और मेरे के भाई क्या हाल चाल आप लोग के। और गाइस इस वीडियो में बताना मतलब कि इस तरह से आपको सर्वाइव करना है कॉन्करर लॉय में। अब देखो बहुत सारे लोग गलती करते हैं जो कि अपना गलती खुद को नहीं दिख पाता, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर एंड तक देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कौन सा गलती करते हो जिससे कि आपको पॉइंट बिल्कुल भी प्लस नहीं मिल पाता। मतलब आप लोग 20 मिनट तक खेल लेते हो, 25 मिनट तक खेल लेते हो, फिर भी आपको प्लस नहीं मिल पाता, बिल्कुल भी प्लस नहीं हो पाता आप लोगों से। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा अगर आप एंड तक वॉच करोगे तो आपको काफ़ी सारा आपको मिस्टेक पता चल जाएगा कि आप लोग खुद क्या मिस्टेक करते हो जिस वजह से आपको प्लस नहीं मिल पाता और आप लोग कॉन्कर जल्दी से नहीं लगा पाते हो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं गाइस, मैं सीजन 14 में कॉन्कर किया था और सीजन 19 से लेकर C1H2 तक मैंने कॉन्कर हर एक सीजन में किया है। तो आप लोग मतलब सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कॉन्कर जा जाके। अब देखो गाइस बहुत लोग अब ये बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास तो डिवाइस अच्छा है। देखो मेरे पास अगर मैं बात करूँ सीजन 14 में तो सीजन 14 में मेरे पास अच्छा डिवाइस नहीं था, फिर भी मैंने कॉन्कर किया है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई देखो डिवाइस का आप बहाना नहीं मार सकते। जो आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला उससे तो आपका डिवाइस से कोई लेना ही देना नहीं है, मतलब कि आप लोग पूरा तरीके से सेफ खेलने वाले हो। देखो अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो देखो हर एक मैच में प्लस निकालता हूँ 20 से ऊपर ही जब मैं डायमंड से नीचे रहता हूँ। अगर मैं डायमंड के ऊपर बात करूँ जैसे क्राउन टियर में या फिर एस टियर में तो देखो उसमें ऑब्वियसली बात है कि आपको कम प्लस मिलेगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे से फाइट लेके खेलते हो तो फिर उसमें ज़्यादा प्लस मिलता है। लेकिन कोई कोई लॉबी ऐसा होता है ना कि भाई बहुत ही बंदे मतलब बचे रहते हैं और लास्ट जोन तक बंदे बचे रहते हैं, इस वजह से उसमें बहुत ही अच्छा खासा प्लस मिल जाता है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ तो भाई BGMI में तो इतना ज़्यादा हैकर्स है जिससे कि क्या होता है कि पूरा का पूरा लॉबी पहले ही खाली हो जाता है, इस वजह से प्लस कम ही मिल पाता है। अगर मैं बात करूँ पबजी मोबाइल की तो पबजी मोबाइल में भाई ऐसा ऐसा लॉबी आता था कि भाई लास्ट जोन में भी 20-30 बंदे अलाइव रहते थे, मतलब छोटा से छोटा जोन में, तो उसमें बहुत ही अच्छा खासा प्लस मिलता था अगर टॉप 10 भी कर लेते हो फिर भी। लेकिन इसमें कम से कम आपको टॉप 5 करना जरूरी है। तो टॉप 5 किस तरह से आप लोग कर सकते हो, बस मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से आपको कहाँ पर उतरना चाहिए जब आप स्टार्टिंग में लैंड कर रोगे पे तो आपको कहाँ पर उतरना चाहिए जिससे कि आपको मतलब माइनस लगने का डर ना रहे और आपका प्लस भी हर एक मैच में हो। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो ना तो भाई कितना भी प्रो प्लेयर हो वो भाई पूरा सेफ उतरते हैं जब स्टार्टिंग में लैंड करते हैं। क्योंकि देखो अभी तो भाई हर एक बंदा जितना भी पहले प्रो बंदे रहते थे ना मतलब थोड़ा बहुत हॉट ड्रॉप लेते थे, लेकिन अभी तो भाई छोड़ ही दो मतलब हॉट ड्रॉप कोई नहीं लेता और हर एक बंदा सिर्फ सेफ ही उतरते हैं। तो इस पे से आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको लैंड करना है कहीं पे भी, अगर आपका पेरेंट पद बन रहा है ना तो आपको कहाँ पे उतरना चाहिए जिससे कि आपका माइनस ना लगे और आपका मतलब सर्वाइव अच्छा खासा हो जाए और टॉप 10 आप निकाल लो हर एक मैच में। अब वैसे अगर मैं बताता हूँ कि कहाँ पर आपको उतरना चाहिए जब आपका पेरेंट पद बनता है, देखो प्लेन पथ कहीं पे भी बन सकता है ना, तो प्लेन पथ कहीं पे भी बन रहा है लेकिन आपको उतरना आपको 1500 मीटर के आसपास, और 1500 मीटर के आसपास आपको उतरना है लेकिन आपको ऐसा जगह पे उतरना है जहाँ पे थोड़ा सा रोड भी हो, रोड साइड हो और आपको वहाँ पर अच्छा खासा मतलब कोई अच्छी जगह हो जहाँ पर आपको गाड़ी वगैरह मिल जाए आसानी तरीके से और वहाँ पर आसपास ज़्यादा घर भी ना हो। क्योंकि घर के आसपास से अगर आप गाड़ी उठाने जाओगे तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि बंदे उतरते होंगे और वहाँ पर आपको मार भी सकते हैं, इस वजह से आपको वहाँ पर उतरना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि भाई कहाँ से आपको गाड़ी मिल सकता है और आपको क्या करना है पता है। आप जैसे ही गाड़ी ले लेते हो मतलब गाड़ी उठा लेते हो रोड साइड में, अब उसके बाद गाड़ी उठाना है और गाड़ी उठा कर आपको सीधा चलना है कम से कम 2-3 हज़ार मीटर दूर। अब जहाँ प्लेन पद बना है ना वो चीज़ आप लोग शो कर लेना जो कि मैप में अब आसानी तरीके से शो हो जाता है कि कहाँ से प्लेन पद बना था, और प्लेन पद से लेकर ना कम से कम आपको 3 से 4 हज़ार मीटर आपको दूर जाना पड़ेगा तब जाके आपका मतलब कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला। अगर आप कहीं आसपास लूट करते हो जैसे कि 1500 या फिर 2000 मीटर के आसपास जिस जहाँ से प्लेन पथ बना था, तो उसमें क्या होता है कि हैकर जल्दी से गन उठा के ना आपको मार भी सकता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जब स्टार्टिंग में मैं रैंक पुश कर रहा था तो इस तरह से मैं करता था, मतलब कि मैं 1500 या फिर 2000 मीटर के आसपास जहाँ पर छोटा छोटा घर रहता था वहीं पर लूटता था, लेकिन फिर भी मुझे मार के जाता था हर एक मैच में। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने दिमाग लगाया कि नहीं भाई इस तरह से तो नहीं होने वाला है। आपको अगर डुओ में खेल रहे हो, सोलो में खेल रहे हो, किसी में भी खेल रहे हो ना, तो आपको सेफ उतरना पड़ेगा और आपको कम से कम 1500 मीटर के आसपास मतलब उतर के गाड़ी ना पड़ेगा, और गाड़ी लेने के बाद आपको कम से कम 2-3 हज़ार मीटर आपको दूर जाना पड़ेगा तब जाकर आप छोटा से छोटा जो भी कंपाउंड रहता है ना छोटा छोटा कंपाउंड लूट के आप अपना लूट को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको लूट के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है।
अब गाइस यहाँ पर मेन चीज़ आपको बता दो, तो मेन चीज़ ये है गाइस कि यहाँ पर हम लोग कम से कम 4 से 5 जोन ना जोन के बाहर सर्वाइव किया करते थे। जोन के अंदर अगर आप जाओगे ना, मतलब प्ले जोन के अंदर आप रहोगे तो फिर आपको कोई भी मार सकता है, कोई भी नॉर्मल प्लेयर भी आपके साथ फाइट कर सकता है। इस वजह से आपको रिक्स लेना का ही नहीं है, मतलब भाई पूरा एकदम सेफ खेलना है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो कम से कम 4 से 5 जोन ना बाहर भी रहता था, 4 से 5 जोन आपको बाहर रहना पड़ेगा तब जाकर आपको कम से कम आपको टॉप 10 निकाल सकते हो। मतलब टॉप 10 निकालने के बाद फिर आप बाद में किल भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप बाद में आके जोन के अंदर आप इंटर करके आप किल भी निकाल सकते हो अच्छा खासा पोजीशन निकाल के। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कम से कम 4 जोन के बाद निकलता था, और 4 जोन के बाद निकलते निकलते ना फिर एक जोन बन जाता था, और जोन जैसे ही बनता था और जोन स्टार्ट होने से पहले हम लोग जोन के अंदर आ जाते थे। तो जोन के बाहर सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी जो है गाइस वो हिल का सामान रहता है, मतलब हेल्थ का सामान आप कितना भी उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग उठाते थे कम से कम 4 से 5 फर्स्ट एड, किसी किसी मैच में एक मेडिकेट भी मिल जाता था वो भी उठा लेते थे, और सबसे ज़्यादा जो हम लोग उठाते थे वो है गाइस बैंडेज। अब बैंडेज अगर आपके पास 30 से 40 नहीं रहेगा ना तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला जोन के बाहर सर्वाइव करने में। इस पे आपको 30 से 40 बैंडेज आपको उठाना ही पड़ेगा, और 30 से 40 बैंडेज आप उठा सकते हो मतलब जोन के बाहर जाके ना थोड़ा बहुत, जैसी जोन मतलब 3 जोन कट जाए उसके बाद आपको इधर उधर निकल के आपको लूट वगैरह थोड़ा बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको हेल्थ लगा रहना है और आपको मतलब हेल्थ ढूंढते भी रहना है, तो इससे आपका हेल्थ भी कम नहीं होगा और हेल्थ भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा। तो इस ट्रिक की मदद से आप हर एक मैच में टॉप 10 निकाल सकते हो, और टॉप 10 जैसे ही कर लोगे ना आपको हर एक गेम में अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को खुद रिजल्ट मिल जाएगा। आप लोग यही गलती करते हो कि आप टॉप 10 नहीं निकल पाते हो, मतलब आप जाकर फाइट लेते हो किसी के साथ, इस वजह से मर जाते हो तो उसमें आपको प्लस नहीं मिल पाता। इस वजह से आपको टॉप 10 निकालने के लिए जोन के बाहर आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, बैंडेज लगाते रहना है, और 4 जोन के बाद आपको आना है जोन के अंदर, और जोन के अंदर आके आपको फाइट भी ले सकते हो उसके बाद फिर, या फिर आप थोड़ा बहुत और सर्वाइव करके आप टॉप 5 भी निकाल सकते हो तो आपको उसमें भी प्लस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको रैंक पुश करना है तो इस तरह से गाइस खेलना पड़ेगा, जो कि हम लोग खुद खेलते थे और हर एक सीजन में कॉन्करर भी लगा लिया अपना। तो बस सर इस वीडियो में इतना था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि मैं और भी गेम प्ले वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कि आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं जोन के बाहर, कैसे कैसे हम लोग फर्स्ट एड लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे जोन रहते हैं जो कि मिलिट्री जोन बनता है, तब हम लोग क्या करते हैं वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, उससे क्या होगा कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और बहुत कुछ आप लोग सीख पाओगे रैंक पुश से रिलेटेड। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।